नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। दृष्टि द विजन की एनसीईआरटी के थ्रू हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल, अच्छा 6 से 12 तक की हम एनसीईआरटी के जो भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे हम पूरी भूगोल को कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। अभी तक हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं और उन 3 चैप्टर से एक एक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हमने व्याख्या से पढ़े हैं। तो अब हम करते हैं हमारा जो कल के क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 7 पर थे, पृथ्वी की गतियाँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपकी स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य हैं। पहला पॉइंट दिया है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। दूसरा पॉइंट, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तो हमारा आंसर है इसका डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दिया, उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, यानी कि क्या हो जाएगा, 21 मार्च को तो हो जाएगी हमारी बसंत ऋतु और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी हमारी शरद ऋतु। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लीप वर्ष यानी कि जिसको बोलते हैं अधिवर्ष, इसमें कितने दिन होते हैं। तो इसमें होते हैं 366 दिन। 366 दिन कैसे होते हैं, पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 360 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष की में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 6 करके 4 बार 24 घंटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और इसे लीप वर्ष कहते हैं। हमारा अगला चैप्टर है मानचित्र। तो ये पार्ट 4 है हमारा कक्षा 6 का, मानचित्र। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। तो पर्वत को किया जाता है, पठार को किया जाता है, मैदान को और महासागर को, और देश या राज्यों की सीमाओं को भौतिक मानचित्र में शामिल नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी कि सी। तो देखते हैं इसका आंसर। पहले का आंसर दिया है सी, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है राजनीतिक मानचित्र। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। व्याख्या में भी पूरा यही लिखा है तो इसलिए व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। तो थीमेटिक मानचित्र में किस किस को शामिल किया जाता है, सड़क मानचित्र होता है उसमें, वर्षा मानचित्र होता है, वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। तो ये तीनों ही होते हैं थीमेटिक मानचित्र में। तो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। आंसर है हमारा डी, उपयुक्त सभी। तो व्याख्या दे रखी है, कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं के को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। तो प्रधान दिग्बिंदु किसको कहा जाता है मानचित्र के संदर्भ में। तो उसका आंसर है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये चारों के चारों को मानचित्र के संदर्भ में, ये जितनी भी चारों दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इनको दिग्बिंदु, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या, मानचित्र में चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की चार दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इनको प्रधान दिग्बिंदु नहीं कहते।
पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? तो मानचित्र के संबंध में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है, उसके लिए हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो, जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो। तो इसका आंसर इन या तो सभी होगा या ए बी सी में से कौन सा होगा, देखते हैं हम। तो इसका आंसर दिया गया है पांचवे का ए, यानी कि इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या है, मानचित्र के तीन घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये इसकी हो गई व्याख्या। एक बार क्वेश्चन में आपको मैं दोबारा ऑप्शन दिखा देता हूँ, रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन और आंसर है ए, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। तो जिन प्रतीकों के उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसी को हम क्या बोलते हैं, रूढ़ प्रतीक। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं, उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो जो खाका होता है वो क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र। तो ये हमारे दोनों के ही दोनों कथन सही हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दे रखी है, रेखाचित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। अतः दोनों ही कथन सत्य हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये हमारा पाँचवा पाठ है और यहाँ से हम पढ़ेंगे कल से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप थोड़ा थोड़ा करके अपने ज्ञान रूपी सागर को भरते रहिए। धन्यवाद।